बच्चों, फाइनली सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो क्लास 10 के रिजल्ट को जल्दी जारी करने को लेकर सीबीएसई बोर्ड का एक सबसे बड़ा कदम मान सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने उन सभी स्कूलों को जो है वार्निंग दिया है, जिनके वजह से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट जो है डिले हो रहा है, और जिसके कारण सीबीएसई बोर्ड को जो है सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि आखिरकार सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट बनाने में इतना टाइम क्यों ले रही है। सीबीएसई बोर्ड जो है ऑलरेडी जो है आपके जरूरत से ज्यादा टाइम ले चुकी है। तो ऐसे में क्लास 10 रिजल्ट को जो है सीबीएसई बोर्ड के उन स्कूलों को वार्न किया गया है जिन्होंने क्लास 10 का रिजल्ट जो है डिले करने में जो है मेन कारण बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एवल्यूशन को कंप्लीट नहीं किया है या तो एवल्यूशन को कंप्लीट किया है तो उन्होंने गलत सलत मार्क्स सीबीएसई बोर्ड को भेज दिया। ये बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई बोर्ड के देश भर के काफी सारे ऐसे स्कूल निकल के सामने आ रहे हैं जिन्होंने गलत सलत मार्क्स सीबीएसई बोर्ड को भी भेज दिया है, तो उन सभी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट रोकने या उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात कही है। पूरी खबर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देश भर के काफी सारे ऐसे स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड ने पकड़ा है जिन्होंने जो है बच्चों के मार्क्स जो है 90-90 मार्क्स दे दिए, यानी किन छात्रों के जो है 100 में से 70 मार्क्स भी नहीं आने चाहिए उन छात्रों को जो है स्कूलों ने 90-90 मार्क्स दे दिए हैं। तो ये भी जो है बड़ी गलती सीबीएसई बोर्ड ने पकड़ी है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड किन छात्रों को जो है इस बार 90% प्लस मार्क्स जो है बनाने वाला है, यानी कि कितने परसेंट मार्क्स जो है आपके प्री बोर्ड और मिड टर्म में होंगे जिसकी वजह से जो है आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को वार्निंग दिया है कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है आप लोग डिले कर रहे हैं और आपके वजह से सीबीएसई बोर्ड पे भी जो है काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। और जिन स्कूलों ने सबसे बड़ी गलती की है, यानी कि बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के देश भर के काफी सारे ऐसे स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड ने पकड़ा है जिन्होंने जो है 100 में से 96 मार्क्स जो है सबको पकड़ा दिए हैं, यानी सभी छात्रों को जो है 90-96 मार्क्स दे दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड का जो असेसमेंट बनाया गया था, सीबीएसई बोर्ड के जो फॉर्मूला बनाया गया था जिसके तहत बच्चों को मार्क्स देना था, उसका कोई पालन नहीं किया। उन्होंने जो है अपने स्कूल का रिजल्ट बेटर करने के लिए जो है बच्चों को 90+90+ मार्क्स दे दिया ताकि उनके रिजल्ट जो है बेहतर हो जाए। तो इन सभी स्कूलों को जो है सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट रोकने या उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करने की बात कही है। पूरी खबरों को ध्यान से समझिए कि सीबीएसई बोर्ड ने किन बच्चों के मार्क्स जो है स्कूलों को दोबारा अपलोड करने की बात या उनके मार्क्स को जो है फिर से मॉडरेट करने की बात सीबीएसई बोर्ड कह रहा है। मैंने ऑलरेडी जो है इस चीज को कवर किया था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने आज उन स्कूलों को वार्निंग दिया, इसका मतलब सीबीएसई बोर्ड भी रिजल्ट को लेकर अब स्ट्रिक्ट दिख रही है, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी जान चुकी है कि क्लास 10 रिजल्ट जो है ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। तो ऐसे में अगर स्कूलों को ढीला छोड़ दिया गया तो और भी जो है डिले कर सकते हैं रिजल्ट में, क्योंकि 30 जून को जो है उनको सबमिट करना था लेकिन आज जाके 15 जुलाई हो चुका है, अभी तक स्कूल नहीं कर पाए हैं। तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 5 दिन में या 10 दिन में ये पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने जो है उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी किया है, क्योंकि इन्हीं के वजह से क्लास 10 का रिजल्ट जो है डिले हो रहा है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि सीबीएसई बोर्ड के काफी सारे स्कूलों ने अभी तक इवोल्यूशन नहीं कंप्लीट किया है। तो इन सभी स्कूलों को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड जो है अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड जो है इनकी कोई भी प्रॉब्लम को नहीं सुनने को तैयार है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि 17 जुलाई तो 17 जुलाई, यानी कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर अब सीरियस हो चुकी है। क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट? तो सिंपली 5 सेकंड में डाउटनेट पे करो नो से आउट। सिंपली आपको जिस क्वेश्चंस में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डाउटनेट पे। चाहे वो क्वेश्चंस आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, बायोलॉजी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या देश भर की तमाम कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो, या क्लास 6-12 तक का क्वेश्चन हो, आईटी, जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सभी का तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा आपको डॉटनेट ऐप पे। इसके साथ ही डॉटनेट पे चल रही है डेली लाइव क्लासेस, वो भी आपके अपने लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में, जहां आपको पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस कोर्सेज का हिस्सा बनिए और आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। सीबीएसई बोर्ड जो है ऑलरेडी काफी टाइम जो है स्कूलों को दे चुकी है, तो ऐसे में स्कूल जो है जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड का जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पूरी तरीके से सही है। सीबीएसई बोर्ड जो है क्लास 10 का रिजल्ट जो है 20 जुलाई तक ही जारी करने को पूरी फेवर में लग रही है। आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा तब। अब बात करते हैं उन सवालों का जो क्लास 10 के छात्र जो है अपने मार्क्स को लेकर पूछ रहे हैं कि मेरे परसेंटेज कितने आएंगे। इस तरीके से काफी सारे सवाल है यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से जो है छात्र अपने परसेंटेज को बताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर हमें बताइए प्लीज हमारे कितने परसेंट आएंगे, एडमिशन लेने में परेशानी होगी नहीं होगी। तो सबसे पहले इन्हीं के सवाल को कवर करते हैं। अगर हमारे प्री बोर्ड में 98% मार्क्स आए हैं और मिड टर्म एग्जाम्स में जो है 95 या 96 के अराउंड मार्क्स आए हैं तो हमारे परसेंटेज कितनी बनेगी। अगर आपके दोनों पेपर में जो है इस तरीके से मार्क्स आए हैं तो यानी कि 70 नंबर की एवल्यूशन में जो है सबसे अच्छा मार्क्स जो है अभी तक आपका यहाँ पे बन रहा। बाकी बात रही आपके 10 मार्क्स की, तो इसी तरीके से जो है अगर आपके क्लास टेस्ट में भी परफॉर्मेंस होंगे तो आपके इंटर असेसमेंट में 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अराउंड जो है अपने बोर्ड के मार्क्स जो है 95% मार्क्स तक जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों का। इस तरीके से अगर आपका परफॉर्मेंस है तो आपके जो है 95% बोर्ड में कहीं नहीं गए, आपके 95% मार्क्स जो है बोर्ड में इजिली बन जाएंगे। अब
और दूसरा सवाल भी जो है इसी तरीके से है कि मेरे प्री में जो है 85% आया है, यूनिट में जो है 99% बनी है और मिड टर्म एग्जाम्स और हाफ ईयरली एग्जाम जो है नहीं हुए हैं। इस मार्क्स को देखकर भी मैं आपके कह सकता हूं कि आपके मार्क्स भी जो है 80% प्लस आपके मार्क्स जो है बोर्ड में बन जाएंगे। अब बात करते हैं आखिरकार लास्ट और थर्ड सवाल का। तो थर्ड सवाल जो है कि यहाँ पे एक सवाल जो है यहाँ पे प्रंजुल का सवाल है। इनका कहना है कि क्लास 10 का जो उनका एग्जाम्स हुए थे स्कूलों में उसमें जो है मैथ और साइंस में जो है ये फेल थे और साथ ही साथ मिड टर्म में भी और प्री बोर्ड में भी, यानी तीनों जो एग्जाम्स स्कूलों में हुए थे सभी में जो है इनका परफॉर्मेंस जो है पूरी तरीके से जो है बिलो पासिंग परसेंटेज था। तो इसका मतलब है कि इनका पूछना है कि मेरी कंपार्टमेंट आ सकती है क्या। अगर आपके जो है यहाँ पे बात करें तो अगर आपके स्कूलों से इंटरेंस असेसमेंट में 18 मार्क्स आपके मिल जाते हैं तो केवल आपको 15 मार्क्स की जरूरी होगी। 33% जो है क्लास 10 के छात्रों को लाना है पासिंग के लिए। इस केस में जो है आपके कंपार्टमेंट बन सकते हैं लेकिन जो है स्कूल कोशिश करेंगे कि पास करें, यानी कंपार्टमेंट आपकी ना ही आए यानी कि आप लोग को पास ही कर दिया जाएगा। ये स्कूल जो है पूरी तरीके से आपको पास करने की कोशिश करेंगे। ग्रेस मार्क्स भी है, अगर इनमें से अगर एक सब्जेक्ट में जो है आप पास हो जाते हैं और दूसरे में जो है आप 5-7 नंबर से भी रहेंगे तो आपको स्कूल जो है पास कर देंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर आगे भी जो अपडेट होगा उन अपडेट को हम सबसे पहले आप तक लाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपके रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक की हर एक अपडेट में लगातार बने रहते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।